नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल ऑल इंडिया स्टूडेंट में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं UPSSC वीडियो एग्जाम से रिलेटेड, जिसमें 100% आपको ये रिजल्ट में ये काम आपका जरूर होगा, जिससे सारे अभ्यर्थियों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और रिजल्ट इस दिन जारी होगा, पूरी जानकारी बताएंगे। उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आ रही है, अगर आप में से कुछ अभ्यर्थी जो चाहते हैं घर अगर आप में से कुछ अभ्यर्थी जो चाहते हैं घर बैठे बैठे कुछ इनकम करना, मतलब डेली 1000 रुपये कमाना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल रहा होगा, एक एप्लीकेशन का लिंक मिल रहा होगा, उसको डाउनलोड करके उसमें जो इनवाइट कोड नीचे दे रखा है उसको आप वहाँ पुटअप करेंगे, तो उससे आपको बहुत सारी अर्निंग होगी। और इस ऐप की जो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और आपको पहले कमेंट में भी देखने को मिल जाएगी लिंक। इस ऐप को अपने दोस्तों में शेयर करते ही आपको उसकी भी अर्निंग आप ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके UPSSC वीडियो रिजल्ट से रिलेटेड, तो आज का न्यूज़पेपर आपको दिखा देते हैं। आज का न्यूज़पेपर है, आप डेट देख सकते हैं, 23 मई 2019 बृहस्पतिवार दिखा रहा है। और सबसे ऊपर यहाँ पे कॉर्नर में आप देख सकते हैं लिखा हुआ, कई पाली वाली परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन व्यवस्था लागू। आप में से कुछ लोग कह रहे थे कि जो मैंने कट ऑफ बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो यहाँ पे आपको कोने में आई बटन दिख रहा होगा, यहाँ पे आई बटन दिख रहा होगा, तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पे नॉर्मलाइज मार्क्स के बाद आपकी कट ऑफ बनी हुई है, उसी के आसपास आपकी कट ऑफ आने वाली, तो जल्दी से उस वीडियो को देख लीजिए जाके। आप में से जो लोग कह रहे थे कट ऑफ वाली वीडियो में कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा सर जी, आपको कैसे मालूम, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ जाहिर कर दिया गया। आप देख सकते हैं लिखा, अजन्य सेवा चयन आयोग की एक से अधिक पाली में होने वाली ऑनलाइन ऑफलाइन परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन व नॉर्मलाइजेशन व्यवस्था लागू की जाएगी। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला तय करने के लिए गठित समिति की सिफारिश को आयोग ने स्वीकार कर लिया। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक से ज़्यादा, मतलब आपका जो पेपर हुआ था वो 4 शिफ्टों में हुआ था, मतलब आपके में 101% आप श्योर हो जाएगी कि आपकी नॉर्मलाइजेशन में आपको बहुत सारा फायदा मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात कि मैंने उस वीडियो में जो यहाँ पे आपको यहाँ लिंक दिख रही होगी आई बटन में, वहाँ पर मैंने सबसे बड़ी बात यह है कि हर शिफ्ट की नॉर्मलाइजेशन नंबर बता दिए कि किस शिफ्ट को सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है, तो जल्दी जल्दी वहाँ पर आप जाके अपने कट ऑफ के नंबर और नॉर्मलाइज अपने नंबर देख सकते हैं अपने शिफ्ट के। अब बात कर लेते हैं आपका रिजल्ट कब आने वाला है, तो दोस्तों आपका रिजल्ट जो जैसा कि सबने बताया है, आप देख भी सकते हैं कि यही बताया जा रहा है कि मई के लास्ट वीक और जून के फर्स्ट वीक, बट मैं अपनी तरफ से जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग में कुछ लोग कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, तो दोस्तों आपका जो रिजल्ट है वो 15 जून के आसपास आने वाला है, 15 जून से पहले आ जाएगा। और कोई नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के पता ही है आपको होने वाला, तो 15 जून के आसपास आपका रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद बताई जा रही है। अगर इससे जुड़ी जो भी जानकारी आएगी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिसके बाद घंटी बन के आ रही है उसको दबाना ना भूलें, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए।